नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। ये स्टॉक 206 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 0.36% का डाउन मूव दिया है फ्राइडे को। मार्केट कैप हो गई है इसकी 41,319 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 75.20% है। बुक वैल्यू इसकी 78.50 है। डिविडेंड यील्ड इसकी अच्छी है, 1.87% की है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो जो है मीडियम से थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ा सा ऑफकोर्स कॉन्शियस होकर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पे सेल्स एंड मार्जिन में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल इंटैक्ट है एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है। सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है एंड काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक लगता है वैसे भी मुझे। ये स्टॉक जो है बेसिकली फाइनेंस के सेक्टर का है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे वैसे लगता है कि अर्बन डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन की रियल इस्टेट का होगा, पर फाइनेंस के सेक्टर का ये स्टॉक है। एंड यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग हाउसिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द कंट्री, तो ये फाइनेंस का स्टॉक है। ये ज़रूर बात याद रखने को है, क्योंकि ये क्यों फ़र्क पड़ता है हमारा, ये फ़र्क हमें तब पड़ता है जब हम यहाँ पे कैश फ्लो में जाते हैं ना। कैश फ्लो में यूजली क्या देखा जाता है, यूजली देखा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। बट जब कोई भी जैसे बैंक होता है, फाइनेंस के सेक्टर का जो भी स्टॉक होता है उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का देखा जाता है, हमेशा उसके ऊपर मेजर फोकस किया जाता है। इसका फ़र्क यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हम 15 अप्रैल तक के लेके चले थे टारगेट, यहाँ तक के कि हमें 217 के आसपास, 217 218 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। हम अभी तक अपने हाफ ऑफ टारगेट अचीव कर चुके हैं एंड ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है इस स्टॉक में, कि स्टॉक ने ये जो रेजिस्टेंस थी 206 की, इसको बना लिया है, यहाँ पे होल्ड कर लिया है इसको। जस्ट अ सेकेंड जी, तो यहाँ पे इसने इसको होल्ड बना लिया है, यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। आई जस्ट होप कि अब मंडे को कोई मार्केट थोड़ा सा सपोर्ट करे और ये स्टॉक ऊपर चला जाए तो हमारे लिए सही रहेगा। बट अगर ये सपोर्ट नहीं करता है, हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए और हो सकता है 203 के आसपास भी हम इस स्टॉक को देखें। बट अगर, क्योंकि ये बिल्कुल ना, ये सपोर्ट तो बनाया है इसने। वैसे मैंने हमेशा बात करी है कि इसकी एक रेंज होती है, यहाँ पे आप इस लाइन को देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर देखें तो मैं इसको सपोर्ट मान के चलूंगी, क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे चल रही हूँ। बट अगर वैसे देखा जाए, बिल्कुल बायस एनालिसिस की जाए, बिल्कुल भी ना बायस होकर एनालिसिस की जाए, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों है। तो जरूरी नहीं है ये सपोर्ट है, नीचे भी आ सकता है स्टॉक, तो थोड़ा सा ना स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। बट मुझे लग रहा है कि ये 15 अप्रैल तक यहाँ तक पहुँच सकता है बड़े आराम से। वहां तक पहुँचने के लिए हम लगभग हमें 6% के मूव की उम्मीद है एंड 15 अप्रैल तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 ट्रेडिंग डेज हैं, क्योंकि अभी जो ट्रेडिंग डे आएगा नेक्स्ट मंडे से, जो स्टार्ट होगा ट्रेडिंग वीक, उसमें सिर्फ हमारे पास 4 ट्रेडिंग डेज है। 11th की छुट्टी है, थर्सडे की छुट्टी है एंड हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड फ्राइडे होगा एंड देन सैटरडे की छुट्टी है, फिर संडे की छुट्टी है, फिर मंडे को होगा, मंडे को 15th है। तो 5 ट्रेडिंग डेज है हमारे पास यहाँ तक पहुंचने के लिए एंड मुझे उम्मीद है यहाँ तक पहुंच जाएगा। अभी के लिए हम इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं अपग्रेड। ये हम लेके चले हैं टारगेट 250 के, जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, केवल कंपनीज जल्दी भी दे देती हैं, तो मैं बेसिकली यहाँ पे टाइम रेंज बता देती हूँ कि मैं यहाँ से 30 एंड 40 डेज के बीच का टारगेट ही लेके चली हूँ, एक सवा महीने का टारगेट लेके चली हूँ कि 250 तक ये पहुंच सकता है। एंड वैसे मुझे लगता है कि यहाँ से अगर निकल गया ना तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक रियली क्रेजी। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इसका प्राइस बैंड जो है 20% का है। ये भी एक रीजन है मेरे ऑप्टिमिज्म का, कि मुझे लगता है कि स्टॉक अभी ब्लूम करने वाला है एंड यहाँ पे न्यूज अभी कोई भी नहीं है जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में मदद करेगी किसी चीज की। तो एक चीज ना और ध्यान में देने वाली है, ये स्टॉक ना यहाँ पे अगर हम इसको बिगर पिक्चर में देखें तो यहाँ से जब ये स्टार्ट हुआ है ना, तब से ये रैली ही दिए जा रहा है। यहाँ पे नो डाउट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया, पर यहाँ से अगर देखें ना तो ये रैली दिए ही जा रहा है। अगर यहाँ से अगर हम एक बार थोड़ा सा प्राइस रेंज लगा के देखते हैं तो यहाँ से ये दे चुका है लगभग लगभग 400% की रैली, और ये कब से है, अप्रैल, मतलब लास्ट ईयर से अभी तक 1 साल में
ये 400% की रैली दे चुका है स्टॉक। तो अब मुझे वैसे तो लगता है कि स्टॉक, वैसे पैटर्न से तो लगता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, बट एंड ऊपर से ये जिस सेक्टर का है, फाइनेंस के सेक्टर का है, एंड वो भी किसका है, रियल एस्टेट के फाइनेंस के सेक्टर का है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का है, तो और ऊपर से गवर्नमेंट का है। तो मुझे लगता है कि ये करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, बट फिर भी क्योंकि पहले 400% की रैली दे चुका है, तो मुझे ये थोड़ा सा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा स्लो चले, बट अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है लॉन्गर रन के लिए अगर हम एंट्री बना के चले, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा हमें असर दिखा सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री के पॉइंट से बात करें, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मैंने आपको बता दिया, 15 अप्रैल के हम ये टारगेट लेके चले हैं। अगर ये टारगेट अचीव कर जाता है, तो फिर देखते हैं कि हम कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे उसको, मार्केट का मूव किस तरफ जाता है, क्या होता है उस टाइम का माहौल, क्या होता है उसके अकॉर्डिंग हम इम्प्रोवाइज करेंगे। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट टर्म के लिए, वो ये बहुत इमीडिएट हो जाएगा, 202 का स्टॉप लॉस बहुत इमीडिएट है, इतनी फ्लक्चुएशन तो स्टॉक में होती है, बट अगर नीचे गया तो मुझे लगता है यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। एंड रिवर्सल मुझे लगता है 197.60, 198 का मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जाने समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।